साहिब जियो दीन दर्द दुख पंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ परम सम्मान योग चवर शतर पथ के मालक सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी छत्र छाया हेठ सुभाए मन सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साहब संगत जीओ अदब सत्कार न बुलाई फतेह प्रवान करो जी कोई रसना वांझी ना रहे सारे प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े अदब सत्कार नाल आप जी शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सी भाई सर सिंह जी होरां पासों एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई भट्ट कीरत जी ने इस पावन सवैये विच बेनती कीती है कि महाराज असीं तुहाडी शरण विच आए हां ते सानू शरण दे विच रख लो। जिहड़ा शरण विच आया वो बड़ी उम्मीद दे नाल आउंदा है बड़ियां आसां लैके आउंदा है जिन्हिया वो उम्मीदा लैके आउंदा है उस तो कई ज़्यादा वो धक्के खा के आउंदा है। पता नहीं किन्ने कु आसरे वो त्याग चुका होंदा है पता नहीं किन्निया कु उहदे सहारे टुट चुके होंदे ने किसने थावां तो उहनू धक्के मिले होंदे ने किन्ना विचारा परेशान होंदा उहदी ते परेशानी आई है। हुण जिहदे कोलों उम्मीद लगा ली है उहदे लई भी रिसपोंसिबिलिटी बन गई वी हुण मैं इह निभाउणा क्योंकि उह धक्के खा के आ ते गया लेकिन हुण इत्थों वी ते धक्का ना ना पवे। शरण विच आ ते कई जांदे ने लेकिन रखदा कोई कोई है सारे उन्नी जिम्मेदारी निभा नहीं पाउंदे ते शरण विच किसे नूं भी रखणा होवे इहदे बारे शेक्सपियर ने एक बड़ी सोहणी गल लिखी उहने कहा कि एक दरखत उहनूं किसे ने पुछिया भई बड़ी सेवा करदा समाज दी सारिआं नूं छां दिंदा कहिंदा भई सुभाअ रब ने दित्ता लेकिन निम्रता विच दरखत ते सारे ही कहणगे भी रब ने सुभा दिता है अगर पत्ते आए ने ते असी छां बन जांदी है ते दूजे नूं छां दिंदे आ पर जिहड़े कवि हुंदे ने शायर हुंदे ने विद्वान हुंदे ने उहदी अंदर दी फिलोसफी नूं समझ जांदे ने। उहनां इक बचन लिखिया उह कहण लगा कि जलता है पेड़ धूप में साए के वास्ते साया कहिंदे ने परछावें नूं अगर दरखत ने परछावां बनाया है तो उन्हों धुप दे विच साड़ना पिया अपने आप नूं जलता है पेड़ धूप में साए के वास्ते आसान नहीं रखना किसी को पनाह में किसी नूं अपनी छां दे विच भी रखना सौखा नहीं अगर कोई दरखत भी किसी नूं छां दिंदा है तो उन्हों धुप सहारनी पैंदी है उन्हों खुद साड़ना पैंदा अपना आपा। हुण धुप उत्तों भावें 40 टैंपरेचर दी आ रही है 45 डिग्री है 48 भी हुंदा इंडिया च ते हुण दरखत ने अगर दूसरे नूं उहनूं 48 नूं कन्वर्ट करके 30 देना है 28 देना है इतनी कु ठंडक हुंदी है दरखत दी उहदी जो छां है ते उहने 20
डिग्री ते अपने ते बर्दाश्त की ना उन्हें अपने आप नू साड़िया जड़ा शरण में आया उन्होंने नहीं सड़न दिता। धन गुरु रामदास जी महाराज की शरण में भी जदों एक गए ने भट्ट साहिबान ते कीरत जी इन्हां दे नाल नाल होर 11 भट्ट जिन्हां दी बाणी है ते उस सारे दे सारे ही उन्होंने अपनी विथ्या लिखी है। कितों कितों देखो धक्के खा के आए सन, बंदा धक्के अज भी खा लैंदा है लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब का एहसान नहीं मानता। मैनू माफ़ करियो, आ सच्चाई यही है। जिहदी शरण विच रहिंदा होवे ना, जिहदे कोलों सारे सुख लैंदा इंसान, उहदा एहसान फरामोश बन जांदा है, उहदा शुक्रिया अदा भी नहीं करदा। भट्ट साहिबाना ने शुक्र किया, महाराज तुसीं सानूं थां ते दित्ती, नहीं तो उन्होंने हालत की बनी सी। उन्होंने अपना एक वचन है भट्ट साहिबाना का, कहिंदे ने रहे हो संत हो टोल साध बहुते रे डिठे। कहिंदे बड़े थावां ते आसरे लभण वास्ते गुरु लभण वास्ते तुरे सन भट्ट साहिबान, बड़े चिर तो निकले सन वी कोई सानू अपनी शरण च रख लै, कोई महापुरश मिल जाए, कोई संत पुरश मिल जाए ते उहदे वास्ते रहे हो संत हो टोल साध बहुते रे डिठे। इन्हां नूं साध बड़े मिले ते साध विचारे हो अपने, उन्हां कोल आश्रम कोई नहीं हुंदा, दूजे नूं किवें शरण च रखण। ते सन्यासी तपसी मुखो ए पंडित मिठे, सन्यासियां कोल गए उन्हां कोल शरण मंगे। भट्ट साहिबान हुण विद्वान बंदे सन ते सन्यासी विचारा आप अपना घर छड के बाहर निकलिया हुंदा, उन्हें किसे नूं की शरण देनी। तपस्वियां नूं बड़े मिले, जो तपस्वियां कोल गए ते तपस्वी वैसे अपनी साधना च लीन हुंदा, वो किसे दी डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करदा, वो तप साधना च लीन है। भट्ट साहिबान खुद दसदे ने महाराज गुरु रामदास पातशाह जी दी शरण विच जाण तों पहलों उन्हां जो धक्के खाधे ने, वो सारा जिक्र सामने रखे है कि कितों कितों धक्के खा के ते फिर महाराज दी शरण विच आए ने। रहो संतों टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपसी मुखो ए पंडित मिठे, विद्वाना कोल चले गए तुहाडी शरण च रह लैने, ओ पढ़न विच मशगूल ने। जिहड़े विद्वान पंडित ने उन्हां वेद पढ़ने वेद पढ़ाउणे, शास्त्र पढ़ने शास्त्र पढ़ाउणे, सिमृतियां 18 पुराण 108 उपनिषद होर कई प्रकार के ग्रंथ ने, गिणती भी बहुत ज़्यादा, वो पढ़न विच ही मशगूल ने। विद्वता विच आउण दे करके जदों ज़्यादा किताबी ज्ञान आउंदा ते बंदा फिर बाकियां नालों पासे हट जांदा है, वो सोचदा है भी मैं जिन्ना को पढ़ लांगा उन्ना ज़्यादा ज्ञान आ जाणा। ते जितने विद्वान सन सारे विद्या दे विच ही सन। विद्या इस दो प्रकार विच मन्नी गई है, एक गुण वास्ते ते एक अहंकार दे लई। गुमान विच ही बंदा कई वारी विद्या, और इस प्रकरण च गुरु नानक साहिब दा बड़ा प्यारा बचन है, कहिंदे हन पढ़ पुस्तक संध्या वादन, सवेरे किताब पढ़ी सवेरे ज्ञान पढ़िया ते शामा नू जाके किसी ने पूछ लिया दस बई एदे अर्थ की ने, इनू कहिंदे ने वादन विवाद। सवेरे कोई चीज़ पढ़ ली, कोई पंक्ति दे अर्थ पता लग गए, लै भी है बड़े वधिया ने आ जाना, फिर मत्था टेक के कहना भाई साहब यह पंक्ति दे अर्थ दसो, हुण अंदर पता है उन्हूं पूछ रहे परखण वास्ते। इनू कहिंदे ने होछा ज्ञान, इनू कहिंदे ने बाहरी ज्ञान, दूजे नूं एवें नीवां दिखाउण दे लई। ते जदों कोई इस प्रकरण विच पुछदा उहनूं ही वाद विवाद दी विद्या कहिंदे ने। ते भट्ट साहिबान इहो जिहे विद्वानां कोल वी गए, रहो संत हो टोल साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपसी मुखो ए पंडित मिठे। मुख तों बड़ी मिठी गल करनी है लेकिन जो उन्होंने मन की आस है उन्होंने पूर्ण करन दा कोई उपराला ना दस्या। तो इस तरह भटकद्या भटकद्या उन्होंने ये भी दस्या कि किन्ने कु साल धक्के खाधे ने। एक अर्ज करा, महाराज ने बाणी विच अपनी असलीयत नूं कदे छुपाया नहीं। जे उन्हें लिखिया ना कि गरीब हाँ तो गरीब ही लिखिया, जे अमीर लिखिया तो अमीर ही लिखिया। जिहो जिहा जीवन है वैसा पूरी तरह सामने रखना। कई बार बंदा ना अपनी सैल्फ रिस्पैक्ट वधाण दे चक्कर विच दुनिया सामने झूठ बोलता है। पुछिए भी की हाल चाल है, मैं केवल एग्जाम्पल देन लगा। कई बार बंदा सच नहीं बोलता, कलयुग जो है झूठ दे नू रथवान बनया होया। कलयुग रथ अगन का कूड़ अगै रथवा, तुसीं किसे नू पुछो की हाल चाल है सब ठीक है, तो सब ठीक उदों फस्ट मूव दे विच पहला आंसर है सब ठीक है। 10 मिनट बैठो
या मेरा एक फलाना काम नहीं बन रहा, मेरे उधरों में ये काम रुके हुए ने, उधरों में काम रुके हुए ने, 10 मिनट के चार काम उन्हें दस देने जो रुक गए हैं, अद्धा घंटा बैठो उन्हें 10 होर काम दस देने। हुण उन्हें पूछे भाई तैनु तो पूछा से की हाल है, तू तो कहा ठीक है, तो यह फिर सारे गड़बड़ कितों शुरू हो गई? कहिंदे वो तो एवें कहा सी ठीक तो कुछ भी नहीं है। यह सच्चाई है, मनुख अपनी हकीकत बयान नहीं करता, किसी ने पूछे एवं ठीक ठाक है तो कहेगा ठीक है बिल्कुल सही है सब वधिया। शुरुआत विच सारे कहिंदे ने सब कुछ वधिया है, लेकिन हकीकत यह है अंदरों किन्ने क दुख हुंदे ने कोई दसदा ही नहीं। भट साहबाना ने लुकाया नहीं, उन्हें दस्या कहिंदे बरस एक हों फिरियो, कहिंदे एक साल धक्के खाधे ने। देखो भट साहबाना की ईमानदारी, एक साल धक्के खाते ने तो दुनिया सामने दस दिता भी असं एक साल भटक के आए हैं, एक साल धक्के खा के आए। आम बंदा नहीं दसदा भी मैं उतों धक्के खा के आया या मैं उतों नहीं कुछ मिलया, मैं उत्थे भटक के आया, मैं उतों दुखी होके आया, कोई भी नहीं दसदा। लेकिन भट साहबाना ने कहा महाराज तुहाडी शरण में आए हैं तो एक साल धक्के खाते ने, बरस एक हों फिरे हो कि ना परचो लायो, किसी ने साडा मन शांत नहीं किया, किसी ने मन शांत नहीं किया। कहते हाँ कहती सुनी, जिन्हों को भी गए वो सिर्फ गल्लां करन वाले ही सन, सिर्फ गल्लां नाल मिठे। तो जो गुरु रामदास महाराज की शरण में पहुंचे ने उदों उन्होंने जाके कितने विश्वास बनया, तो उन्होंने तो फिर ये बचन आखे जो भाई साहब हमने पढ़ रहे सन, एक अरदास पाठ कीरत के गुरु रामदास राखो शरणाई, तो संजोग नाल जिन्हें भी आप जी अमृत वेले प्रकाश होंदे हां वेखदे हो हरिमंदर साहब, ये सवैया जरूर पढ़िया जाता है, कीर्तन भी यदा होंदा। तो महाराज ने उस विच समझाया भट गुरु साहबान गुरु रामदास महाराज की शरण में जदों पहुंचे ने, उस तो पहले उन्होंने सच्चाई दसी कि जिन्ने चिर भी उन्होंने बस एक हों फिरियो किना ना परचो लायो, कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजा लगे तिनके गुण हो क्या कहूँ। जड़े नाम छड़ के दूजे पासे लगे हुए, गल नाम दी नहीं करनी किसी होर दी गल करनी, कहिंदे उन्हां दे की गुण बयान करिए, कि उन्हां दी भावना लिखिए, कि उन्हां दा कपट लिखिए, कि उन्हां दे छल बारे बयान करिए। ऐने को कपटी कपट पता की हुंदा, समान होवे तुहाडा ते कोई कवे मेरा है, कपट हो गया। गड्डी होवे तुहाडी विच मैं ड्राइविंग सीट ते बह के कहां मेरी है, कपट हो गया। बचन होवे गुरु ग्रंथ साहिब दा ते कहण साडियां दा है, बचन होवे गुरु ग्रंथ साहिब दा कहण साडे प्यो दा है, उहने लिखिया साडियां दा है, साडे वडेरियां दा, उह इह क्या करदे सन। अज इही है इतना छल कर रहे ने लोग, ज्ञान पढ़दे ने गुरु ग्रंथ साहिब विचों, कहणगे साडे बजुर्ग क्या करदे सन, है किड्डा वड्डा छल है, धोखेबाजी है। अगर कॉपीराइट एक्ट हो सारिया के उत्ते मुकदमे दायर हो जाएंगे, सारिया के केस चल जाएंगे भी ये बचन तो गुरु ग्रंथ साहिब का तुसी अपना नाँ क्यों लिया, तुसी अपने वडेरिया का नाँ क्यों लिया, तुसी अपने बजुर्गों का नाँ क्यों लिया। सियाने हो समझ गए मेरा इशारा की है, गल गुरु ग्रंथ साहिब की है, तो कॉपीराइट अपना रख लेंगे ने कि जी साढ़े क्या करते सन, फलाने क्या करते सन, वडेरे क्या करते सन, हद होगी गुरु नानक तो वड्डा केड़ा है, मैनू ये दसो, बाणी तो आप ही कहती है सब तो वड्डा सत गुरु नानक, तो बाकी इस तो वड्डे होर केड़े आ गए। धन गुरु रामदास महाराज की शरण में जाके उन्हें कहा महाराज असं एक साल भटके हाँ, एक साल धक्के खाते ने, बस एक कहो फिर किने ना परचो लायो, कहते हैं कहती सुनी, केवल गल्लां ही सुनिया लोकां दियां, रहत को खुशी ना आयो। असल विच आई ने सन, हर नाम छोड़ दूजे लगे, नाम दी गल करदे नहीं अपनी गल करदे ने, ते जदों अपनी गल करदे ने ते उन्हां पहलो अपना भला वेखना, तिनके गुण हो क्या कहो, ते अखीर विच कहिंदे ने गुरदई मिलायो भिखिया, भिखिया नाम है भिखा जी, भट भिखा जी, गुरदई मिलायो भिखिया, गुरु ने परमात्मा ना मिलाप करवाया, जिव तू रख है तिव रहो, जिवें महाराज तुसी रखोगे उस तरह से रवांगे। भट साहबाना की यह भावना सी, ये उन्हां दी अरदास बेनती। इन्ना कु विश्वास अज के दौर विच भी इंसान बड़े धक्के खांदा है, लेकिन धक्के खा के अगर कोई समझ जाए कि मेरे जीवन दे विच
हुण अगर कोई शरण मिलेगी, हुण अगर कोई आसरा मिलेगा तो धन गुरु ग्रंथ साहिब तो अलावा होर कोई आसरा नहीं है। एक ये आसरा ऐसा है, एक ये सहारा ऐसा है जिथे जेड़ा भी आया है कदे खाली नहीं गया, क्योंकि इस अंता दे बारे एक शायर ने बड़ा सोहना लिखा है। दो लाइना चने गल मुका के कही, वो कहिंदा जिस दर पे ना झुके सर उसे दर नहीं कहते। वो दर ही कादा जेदे ते सारी दुनिया का सर झुके ना। एक हुंदा सर झुकना, एक हुंदा सर झुकाना। अगर मैं किसी नूं ओबलाइज करना है, किसी नूं रिस्पैक्ट देनी, सत्कार देना है, फॉर्मैलिटी अदा करनी है, तो मैं हाथ जोड़ांगा, सर झुका देंगा, लेकिन मैं पता है भी कल मैं काम पैना इस करके कर रहा। एक होंगे कोई काम नहीं पैना, रस्ते कदे मिलणगे भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं पेगी, पर फिर भी गुण वेख के, महानता वेख के, वड्याई वेख के अपने आप सिर झुक जाए, उन्होंने कहते हैं सर झुक जाना। एक है झुक जाना, एक है झुकाना। फॉर्मैलिटी लई झुकाना वो तो मूँह लिया जी हो गई कि सारी दुनिया झुका रही है जी, चल मैं भी कर दिना। लेकिन एक है वड्याई इहो जी कि झुके बिना रहा ना जाए। मैं एक एग्जाम्पल देना, दुनिया के जिन्हें बादशाह हुए ने हिंदुस्तान के, बाबर तो लैके मनमोहन सिंह तक राजे ही हुए ने, यही तो चला रहे हैं देश को। बाबर जदों देश चलांदा सी गुरु नानक साहब के सामने झुकया, हुमायूं गुरु अंगद साहब के सामने झुकया, अकबर गुरु अमरदास साहब सामने झुकया, तो जहांगीर और नाल शाहजहां ये हरगोबिंद साहब जी के सामने झुके ने, औरंगजेब कलगीधर पातशाह के सामने झुकया, बहादुर शाह कलगीधर पातशाह जी के सामने झुकया। उस तो बाद अंग्रेज़ों ने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अगे शीस नवा दिता है, विक्टोरिया महाराणी इंग्लैंड की एलजाबैथ हुई है, यह सारे हरिमंदर साहब आके मत्था टेक चुके हैं। हुण भी प्रेजेंट जी राणी वह भी इंग्लैंड आके मत्था टेक चुकी है, उतों दरबार साहब आके। हुण दे जितने प्रधानमंत्री बने ने भावें सारे ही ने, जड़े मर भी गए भावें उन्हें कसूर किया, लेकिन वह भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज अगे झुक चुके हैं। प्रेजेंट जोड़े हुण ने वह भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज अगे सर झुका चुके हैं। किन्ने अक की गिणती करी, ऐसा दुनिया च कोई नहीं। उस टाइम तो जदों तो गुरु घर होंद में उदों जिन्हें भी व्डे तो व्डे हुक्मरान होए ने प्यारे गुरु नानक साहब से जो आए ने दुनिया उत्ते, उतों का जोड़ा नवाब है वह भी महाराज अगे नतमस्तक हो गया। सो शायर कहता जिस दर पे ना झुके सर उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, वह सर ही नहीं जोड़ा थां थां झुकता फिरे। भट साहबाना ने वेख्या महाराज हुण तुहाडे उत्ते विश्वास, हुण तुहाडे उत्ते भरोसा, हुण तुहाडे ते है यकीन। उस यकीन नूं उन्होंने हकीकत बनाया, तो प्यारे एक यकीन ही है, एक भरोसा ही है जिहड़ा सानूं बहुत मजबूत आधार दिंदा है। गुरु नूं भी यह भरोसा बन जाता भी इन्हें होर कितें भटकना नहीं है, इन्हें किसी होर पास जाना नहीं। जे पक्का यकीन ना ना बने तो फिर इस तरह, फिर आदमी जो पक्का यकीन नहीं रखता तो रब की कृपा भी पूरी तरह होंदी नहीं है, बख्शिश होंदी नहीं। दो बंदे सन आपो अपने जहाज लैके ना, तो समुद्र में ठेल दिते दोनों व्यापारी, तो समुद्र में आ गया तूफान, तो दोनों की किश्ती अगे पिछे चल रही, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं सी, तूफान आया। तो एक ने अरदास बेनती की थी कि परमात्मा कृपा करी मेरा जहाज बचा ले, मैं कर्जा लैके कितें आया, वो कर्जा उतारना सारिया का, मेरे काम ने, परिवार है, बच्चे पालने ने, जिम्मेदारी बड़ी है, तो तू कृपा करी मेरा जहाज डुबोण तो बचा ले। उन्हें अरदास बेनती की थी। दूसरा वो थोड़ा माण विच सी, उहदा अपना इनवैसटमेंट सी सारा, किसी के उत्ते कोई कर्जा नहीं सी, उन्होंने थोड़ा होर भरोसा, कई तो बड़े मित्र सन, उसके इन्वेस्टर उसके को बड़े सन, उन्होंने परवाह कोई नहीं। उन्हें होर तीन चार आराध लिया, कहते हे माता तू मैनू बचा ली, हे देवी माता तू बचा ली, हे देवता जी तुम बचा लियो, हे पीर जी तुम बचा लियो। उन्हें जिन्हें 10-12 नाम कट्ठे कर ले, तो होया संजोग नाल कि उसकी बेड़ी डुब गई, डिगदा ढेंदा तैरदा होया किनारे ते पहुंचया, जिन्हें एक की आराधना की वह पार लंघ गया। जो पार हो दोनों तो वह पुछन लगे, यार दोनों असी कट्ठे ही सां, लहरां इको जिहा, समुंदर भी इको ही, जहाज के समान उन्ना को, मेरी बेड़ी डुब गई है तेरी बच गई है किवें, लहरां तो बड़िया आईया लेकिन तू संभाल गया अपने आप नूं। कहन लगे उदों रब प्रगट होया, वो कहन लगा भाई
ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਦਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਜੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਗੁੱਗਿਆ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸਕਲ ਨਿਧ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੇ ਹੰਸਮਰ ਜੀਵਾ ਨੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵਈ, ਜੈਸੇ ਪਰਬਤ ਹੀਰਾ ਮਾਨਕ ਪਾਰਸ ਸਿਧ ਖਨ ਵਾਰਾ ਖਨ ਜਗ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਈ, ਜੈਸੇ ਬਨ ਵਿਖੇ ਮਲਿਆਗਰ ਸੋਧਾ ਕਪੂਰ ਸੋਧ ਕਹਿ ਸੁਭਾਸੀ ਸੁਭਾਸ ਬਿਰਸਾਵਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖਿਆ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨਿਪਜਾ ਬਈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਤੈਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਤਾਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੈਰਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੈਰਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਬਣਨਾ। ਤੈਰਾਕ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ, ਤੈਰਾਕ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੈਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਰਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਬਾਣੀ ਜਪੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਬਾਣੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਗੋਤਾਖੋਰ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਥਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੋਰਥ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਵਸਤੂਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਤੋਖ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ। ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਲ ਹੈ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਤ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ,
हटाना पएगा। सानू चाहिए संतोख विचार का कपड़ा हटाना पएगा। सानू चाहिए थाल विचों नाम विचार का कपड़ा हटाना पएगा। तीन चीजा जिन्हें भी खानिया ने सत किसी नू चाहिए पहला सत की विचार करो ते विचार की कहेगी सच तां पर जानी है जारी दा सच्चा होए ये विचार है। बिना विचार कीत्या सच किवें प्राप्त होएगा। जे सानू चाहिए संतोख तां वी सानू विचार करना पएगा फिर सानू कपड़ा हटाना पएगा विचार दा कि बिना संतोख नहीं को राज है सुपन मनोरथ बिरथे सब काज है। ते जे सानू चाहिए इहदे चो नाम ते फिर भी सानू एही चीज विचार फिर करनी पएगी कि नाम मिले मन तृप्ति है बिन नाम है त्रिग जीवास। नाम तो बिना तो जीवन ही व्यर्थ है। बिना विचार कीत्या ना संतोख मिलना है बिना विचार कीत्या ना सत मिलना है बिना विचार कीत्या नाम भी प्राप्त नहीं होना बिना विचार कीत्या सारी जिंदगी व्यर्थ चली जानी है। इस करके सानू भी यह विचारना पएगा। धन गुरु ग्रंथ साहिब पासों सब कुछ मिल सकता है पर बंदा कदे शुक्र अदा नहीं करता ना बंदा कदे मनदा नहीं उस गुण नू बंदा परोपकार नू समझदा नहीं गुरु दे साडे ते बड़े एहसान कीते गुरु ने बड़े उपकार कीते ने लेकिन इंसान गुरु दे उना एहसाना नू भुला के ते कुछ होर ही करन बैठ जांदा है। भट साहिबाना ने जो भाई सोहन सिंह जी शब्द पढ़ रहे सन एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई महाराज ने कहा सतगुरु असी तुहाडी शरण विच आ कई सालां तों भटके आ ते हुण तुहाडे कोल आ के ये विश्वास बनया कि सानू नाम की प्राप्ति हो सकती है सानू किते नाम मिल सकता है साडे जीवन का भला हो सकता है ते असी भी जदों गुरु की शरण विच आईए ते शरण विच आउण दा एक तरीका है। भगत कबीर जी नू किसी ने पूछ लिया कि महाराज सतसंगत करन दा तरीका की है सतसंगत करनी है तो तुसी सारे जानते हो क्योंकि इन्नी सारी गिणती विच आए हो इस गल दा सबूत है कि सतसंगत करन दा प्यार सारिया दे मन च है सतसंगत करन दी वड्याई सब नू पता है तां ही सारे इन्नी गिणती च आए हो महाराज दी बड़ी कृपा और अरदास करो गुरु चरणा विच ये हैबिट बनी रहे कंटिन्यू रहे जिंदगी च ये गुण कदे ना जाए संगत करन दा क्योंकि संगत करन दे सदके ही साडे जीवन दे गुण बने रहणगे। ते उस समय कबीर साहब नूं पुछिया कि संगत ते करदे आ पर संगत करन दा तरीका की है गुरु नूं मिलन दा तरीका की। बा कमाल उन्हां ने बचन कहा कहिंदे कबीर साधु को मिलने जाई है गुरु नूं जे मिलन जाना कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीचे कोई। देखो कई बार है ना विचार एहो जी आ जाती बंदे नूं लगता है महाराज ते कहिंदे ने किसे नूं नाल नहीं लैके जाना किसे नूं नहीं नाल लैके जाना बाणी च लिख दिता भी कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीचे कोई भी किसे नूं नाल नहीं लैके जाना ते फिर ये क्यों कहिंदे ने दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े भी सारे का सारा परिवार बेड़े चढ़ाना है ते नाम दे बेड़े सतसंगत दे बेड़े ते सारा परिवार होना चाहिए फिर महाराज कहिंदे ने साथ ना लीचे कोई दरअसल परिवार नूं ते नाल लैके जाना है। फिर ये भी कहिंदे ने जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की जवाब जपै अवरा नाम जपावै गुरु कोल जाना है ते आप ते जाना ही जाना दूजिया नूं भी लैके जाना है पर कबीर साहब कहिंदे ने किसे नूं नाल नहीं लैके जाना। बहुत गूढ़ गल कही है भगतां ने वह गूढ़ गल कई बार इन्नी गूढ़ बन जाती है कि एक गूढ़ गल कही फरीद साहब ने बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला भर सरवर जब उछला तब तरण दुहेला हथ ना लाई कसुंबड़ा जल जासी ढोला। इस शब्द का भेद दुनिया नूं नहीं पता लगा गुरु अमरदास महाराज नूं जस्ट नाल सैकेंड शब्द इहदा भेद खोलण वास्ते उचारण करना पिया। बचन लिखे फरीद साहब ने यह नहीं दस्या सी बेड़ा किहड़ा तैयार करना है महाराज ने दस्या जप तप का बंद बेड़ला जित लंघा वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला तेरा एको नाम मजीठड़ा। कई बार भेद भगत रास की गल रख जाते हैं गौड़ी राग में जिवें एक शब्द है गौड़ी कबीर जी नाल रलाए लिखिया महला पंजवा टाइटल है नाल रलाए लिखिया महला पंजवा हुण रला के क्यों लिखिया है क्योंकि कबीर जी ने कोई भेद की गल कह दी वह दुनिया के समझ नहीं आई महाराज ने फिर मिक्स की अपनी बाणी और दुनिया को गल समझाई। ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बिरोलै नीर हरी अंगूरी गदा चरै नित उठासै हींगा मरै माता भैंसा अमूहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए कौ कबीर प्रगट पई खेड लेले को चुंगै नित भेड़। इथों तक कबीर जी का शब्द है अगली पंक्ति
गुरु साहब की है। क्यों ऐड करनी पई बाणी अपनी विच उन्होंने नाल, क्यों भेद की गल कही दुनिया के समझ नहीं पैनी सी कि यह सारी उल्टी खेड किवें बन गई, मन चंगा किवें बन गया, मन गुणा वल किवें चल पिया। फिर दस्या राम रमत मत प्रगटी आई, कहो कबीर गुरसोजी पाई। एक शब्द विच दो पंक्तियां कबीर जी के नाम नाल ने, पहली पंक्ति कबीर जी की, दूजी पंक्ति गुरु अर्जन साहब ने उचारी, रला के लिखी है बाणी ताकि दुनिया सामने सच्चा भेद समझ आ जाए। तो इस तरीके नाल कबीर साहब ने भी वो बड़ी भेद की गल कही है, बड़े रास की गल की है। कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीचे कोए। जदो इंसान गुरु की संगत में आता है, गुरु दरबार में आता है, उदो अपने नाल प्यारे कोई विकार नहीं लैके आना, कोई अवगुण नहीं लैके आना भी अज मैं जाना है, अज फलाना बंदा अगर मिले मैं उन्होंने पूछागा भी मेरा यह काम कदों करना है। अज के नाल अपनी दुनियावी काम लैके चले गए, अज फलाना बंदा मिलेगा मैं उन्होंने जा करके पूछागा भी तू कपड़ा कितों सवाया मैनू भी दे, ते असी ते अपने शौक लैके चले गए उत्थे। अज फलाना बंदा मिलेगा मैं उन्होंने अपना काम कह देंगे मेरा काम कर दें, ते असी संगत करन नहीं जा रहे, असी ते बंदे फड़न जा रहे हैं भी। वैसे जनरली वो बंदे मिलते नहीं, गुरुद्वारे मिल जाएंगे भी उत्थे उन्हें आना ही आना है, उत्थे बंदे नूं फड़ के अपने काम करावांगे, असी ते कामनावा लैके दुनिया के अपने काम लैके चले गए। किसी ने कोई बुरा कहता मैं उन्होंने जाके पूछागा, गुरुद्वारे आएगा पूछागा मेरी बुराई क्यों की, फलानी था मेरे नाल क्यों लड़िया, ओदे नाल जाके क्यों लड़िया, मेरे भरा नाल क्यों लड़िया, मेरी माँ नूं बुरा क्यों बोलिया, मेरे प्यो नूं क्यों कहा। गुरुद्वारे जा करके यह सारिया चीज़ा इंसान नाल चला जाता है। कबीर साहब कहते हैं नहीं, जो गुरु घर आ रहे हैं तो सारे विचार छड के, सारिया सोचा छड के, सारे काम छड के, केवल गुरु को आना है बाणी नाम ते सतगुरु की बख्शिश का आसरा लैण दे लई। ए केवल एक तरीका अपनाना है, कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीचे कोए। दूसरी टेक्निक उन्हें होर दसी, कहिंदे पाछे पाओ ना दीजिए। जदों मन बना लिया कि संगत करनी है, फिर दोस्त कवे चल फिल्म देखण जाना है ते पिछे नहीं आना, फिर संगत ही करनी है, फिल्म देखण नहीं जाना। जे गुरुद्वारे जाण दा टाइम हो गया, भरा कहिंदा चल घूमण चलदे हैं, सैर करन चलदे हां, भी नहीं, मन बनया है गुरु कोल जाण दा ते पैर पिछे नहीं पुटने। जिहड़ा इंसान गुरु वल एक पैर पुटदा है और फिर पैर पिछे खिंच लैंदा है, ते एक बचन मैं आप सामने पढ़ांगा, तुहानू सारिआं नूं याद है पर ध्यान जरूर करना, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाय चल सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है। ते मेरा सुभाव है मैं उहनूं दूसरे वे विच वे हमेशा ओपोजिट वे में जरूर वेखना। एक पैर असी पुटिआ, गुरु ने करोड़ा साढ़े वल पुट लए, तो जे असी एक पैर पिछे खिंचांगे फिर की होएगा। गुरु करोड़ा पैर, वाहिगुरु माफ करे, किसी की जिंदगी च दिन ना आवे कि गुरु किसी तो करोड़ा कदम पिछे चला जाए, नहीं तो फिर असी फड़ ही नहीं सकांगे, गुरु को जा ही नहीं सकांगे। साढ़े वर्गे गुरु वास्ते करोड़ा, पर गुरु वर्गा साढ़े वास्ते और कोई है ही नहीं है, असी किहदे कोल जावांगे, असी तो किसी जोगे नहीं रहांगे। भट साहिबाना ने कहा महाराज बरस एक हो फिरो किना ना परचो लायो, कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो, गुरुदई मिलायो भिख्या जिव तू राखे तिव रहो धन। गुरु ग्रंथ साहब जिवें तुसी रखोगे असी उसे तरह रवांगे, सानू भी ये प्रेरणा मिलती है इस पावन बचन तो, जिवें महाराज ने सानू समझा दिता उस तरह असी रहीए। गुरु कृपा करे गुरु की संगत में जदों भी आईए प्रेम भावना शरदा सत्कार नाल आईए, ताकि गुरु पासों सारिया बरकत रहमत प्राप्त हो जाए। गुरु सारे बहुत बहुत धन्यवाद आप समूह सात संगत का, जिन्होंने तकरीबन पिछले दो महीनों तो बड़ा प्यार अदब सत्कार बख्शिया। दास का यह अखीरला दीवान है, कल दास की वापसी की फ्लाइट है।